अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर का निर्माण करवाने के लिए देश भर में अभियान छेड़ दिया है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद ने हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को भी ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उठाई है। परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने शिमला में कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश में हुई धर्म संसद ने 3 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसमें पहले चरणों में राज्यों के राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और हर जनता की राय ली जा रही है। दूसरे चरण में शीतकालीन सत्र से पहले विश्व हिंदू परिषद 543 सांसदों के पास जाकर राम मंदिर बनाने का दबाव बनाएगी, जिसके तहत 12 दिसंबर तक देश भर में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इसी कड़ी में 6 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी जनसभा की जाएगी। तीसरे चरण में हर मंदिर गुरुद्वारे में राम मंदिर निर्माण के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद वहाँ के सामाजिक धार्मिक नेतृत्व के साथ राज्यपाल से मिल रही है और उनसे प्रार्थना कर रही है कि उनके प्रदेश की जनता अयोध्या में भव्य राम मंदिर चाहती है। इसी क्रम में आज हिमाचल प्रदेश के साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के नेता राज्यपाल जी से मिले थे, उन्हें ज्ञापन सौंपा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत वदन के साथ शकील कुरैशी की रिपोर्ट।